दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जी हां, आपको बताया चले कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से पूछा था कि आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है। आप बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 228 दिनों से जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं जिनमें हाई कोर्ट के जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी गई है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मनीष सिसोदिया पर आरोप बेबुनियाद है और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता इस धांधली से कोई संबंध है। दरअसल मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस नीति से केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का एक सोशल मीडिया पर पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया को तमाम पुलिस के अधिकारी कोर्ट के अंदर पेशी के लिए ले जाते हैं। सबसे पहले हम आपको मनीष सिसोदिया का ये पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया को अधिकारियों के द्वारा कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। फिलहाल आज मनीष सिसोदिया पर जो खबर निकल कर सामने आएगी, यदि उन्हें जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी का खेमा काफी ज्यादा खुश नजर आएगा। यदि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी जाएगी तो आम आदमी पार्टी का खेमा काफी ज्यादा मायूस हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टैक्स से हर्षराज की रिपोर्ट।